जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप सभी के लिए बीजीआई लॉन्ग क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं सब्जेक्ट मैथ का, ठीक है, जो आपको एग्जाम 2022 में ये 5 नंबर दिला सकता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का एक होता है, आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 5 बनाना होगा, तो एक त्रिकोणमिति से जरूर पूछा जाएगा, ठीक, और एक ग्राफी विधि से पूछा जाएगा, जितना भी पूछा जाएगा वो हम सभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने इसके लिए मैंने 7 वीडियो बना दिया है पहले से लॉन्ग क्वेश्चन का, वो प्लेलिस्ट में जाइएगा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, उसमें मिलेगा आपको 7 वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन का पड़ा हुआ है, ये 8वां वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे एलएचएस पहले उठाएंगे हम, एलएचएस कितना लिखा है 1 प्लस sec थीटा बटा sec थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, 1 को छोड़ देते हैं, sec को हम 1 बटा cos लिख सकते हैं, 1 बटा cos, ठीक है, लिख दिए, और इसको हम cos sec है ना, sec को हम 1 बटा cos लिख सकते हैं, चूंकि सूत्र होता है भाई। अब क्या करना है देखिए, ध्यान दीजिए, तो ऊपर यहाँ पे 1 और cos का लघुत्तम क्या हो जाएगा, cos थीटा, कॉस में 1 से तो कॉस थीटा हो गया, और यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस कॉस बराबर है तो 1 हो जाएगा, नीचे 1 बटा cos है तो 1 बटा cos लिखना है, 1 बटा cos ऐसे उसे छोड़ दीजिए, देख रहे हैं नीचे से नीचे बराबर है, हर हर बराबर है, काट दीजिए, हर हर महादेव काटिए काटिए फटाफट, आगे बढ़िए, चलते हैं नेक्स्ट। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, तो ऊपर बच रहा है कॉस थीटा प्लस 1 बच रहा है, और नीचे क्या 1 बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, अब 1 में भाग लगाएंगे क्या बचेगा, क्या बचेगा, यही तो बचेगा, cos थीटा प्लस 1 बचेगा। अब चाहेंगे तो उलट के आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 को पहले cos को बाद में, और कुछ नहीं कर सकते। अब आप क्या कीजिए, RHS उठाइए, RHS उठाइए, RHS कितना लिखा है देखिए, sin² थीटा, ठीक है, sin² थीटा और बटा में क्या है 1 माइनस cos थीटा, ठीक। अब क्या करना है दोस्तों, तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos² थीटा लिख सकते हैं, सूत्र होता है ना चूंकि, और नीचे क्या है 1 माइनस cos थीटा। आप बताइए कि यहाँ पे अब इतना देखिए, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम चाहेंगे यहाँ पे तो 1 को ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है, 1 को चाहेंगे तो स्क्वायर कर सकते हैं भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला काम कर जा रहा है, तो एक प्यारा सा सूत्र लिख देता हूं यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये प्यारा सा फॉर्मूला आपको याद कर लेना होगा, अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए, फिर सवाल को बना के देखिए, आप आराम से बना लेंगे, ठीक, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लगा दे रहे हैं, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार क्या करना है, प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिख देना, ए प्लस बी यानी 1 प्लस cos थीटा और a माइनस बी यानी 1 माइनस cos थीटा, ओके, नीचे जैसे वैसे छोड़ दीजिए, वैसे छोड़ दीजिए। अब ये देखिए दोनों आदमी बराबर है, कट गए, खत्म, आगे बढ़ते, 1 प्लस cos थीटा ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब चाहेंगे तो इसको उलट के लिख सकते हैं ना भाई, उलट के चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, आ तो गया, देखिए ना यहाँ पे भी LHS जो आया यहाँ पे 1 प्लस cos, वही तो RHS भी आया 1 प्लस cos थीटा, हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे लिख दीजिए अतः LHS बराबर RHS, ठीक है, LHS बराबर RHS, प्रूव हो गया ना भाई, सिद्ध हो गया, बल्ले बल्ले हो गया, सिद्ध हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो 5 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें दम है भाई, दम है, मैथ में तो डरना ही नहीं चाहिए आपको, बेकार में डरते रहते हैं आप। चलिए नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं।